हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MBD क्लास पे। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार एक बार फिर से आपके लिए राजस्थान GK से रिलेटेड टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है वो है 50वां, यानी कि आज हमारी जो प्रैक्टिस सेट की हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, अब तक हमने आपके 30 से 50 क्वेश्चंस देखते हैं, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट ने देखे हैं। तो दोस्तों, अगर आपका सहयोग इसी तरह से बना रहा तो बहुत ही जल्द हम आपके लिए 100-100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे और उनको आपके लिए टेस्ट डालेंगे, ठीक है दोस्तों, और आपके लिए मेगा टेस्ट की व्यवस्था करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है वो है 50वां। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। दोस्तों, आपके लिए एक न्यूज है कि कल शाम यानी कि 6 जुलाई 2020 है ना, कल तो कल शाम यानी कि सोमवार को आपके 3 टेस्ट होंगे दोस्तों, वो भी आपके राजस्थान के जो तीनों सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपके राजस्थान कला व संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास, प्रत्येक में आपके 50-50 क्वेश्चंस का अलग अलग टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपके सोमवार को यानी कि कल शाम 7 बजे तो होगा आपके राजस्थान कला व संस्कृति का टेस्ट, 8 बजे होगा राजस्थान भूगोल का टेस्ट और 9 बजे होगा राजस्थान इतिहास का टेस्ट। तो दोस्तों, ऐसे करके आपके 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ MBD क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो MBD क्लास के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और MBD क्लास के जो बेल आइकन दिया हुआ है दोस्तों, बेल आइकन को ऑन जरूर करें, ताकि हम हमारी जो आपका वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आपको पता चलता रहे टेस्ट का, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो प्रैक्टिस सेट 50। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? ए है 342,239 वर्ग मील, बी है 132,139 वर्ग मील, सी है 136,245 वर्ग मील, डी है इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ग मील दे रखा है तो यहाँ पे आपको आंसर वर्ग मील में ही देना है दोस्तों, आपको यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में नहीं पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, यहाँ पे अगर किलोमीटर में पूछ लिया जाता तो आपका आंसर होता 342,200 वर्ग किलोमीटर, मील नहीं होता यहाँ पे, वर्ग किलोमीटर तो ये राइट होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है वर्ग मील में, क्योंकि सबके पीछे वर्ग मील दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल है 132,139 वर्ग मील, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? ए 10.25%, बी है 1.25%, सी है 0.25% और डी है 6.25%। विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? दोस्तों, भारत के क्षेत्रफल का जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है आपके 10.25%। कितना है? 10.25%, ठीक है। और आपके जो राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों, आपके जापान देश के लगभग बराबर है। तो यहाँ पे विश्व के संदर्भ में पूछा है दोस्तों, तो विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है आपके 0.25%, यानी कि आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में बनते हैं? ए कोटा, बी करौली, सी सवाईमाधोपुर, डी है धौलपुर। चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में बनते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा है सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में बनते हैं? तो दोस्तों, चंबल नदी द्वारा जो सर्वाधिक बीहड़ बनते हैं वो आपके सवाईमाधोपुर जिले में बनते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर पूछ लिया जाता प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में बनते हैं, तो प्रतिशत के आधार पर पूछ लिया जाता तो धौलपुर राइट होता, लेकिन यहाँ पर साधारण सा पूछा है सर्वाधिक भीड़ किस जिले में बनते हैं, सवाईमाधोपुर में, प्रतिशत के आधार पर पूछा जाता तो होता धौलपुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी सवाईमाधोपुर। अगला क्वेश्चन है, किसने राजस्थान को सर्वप्रथम विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का कहकर पुकारा? ए है वीसी मिश्रा, बी है TH हेंडले, सी है श्री रामलोचन सिंह, डी है कर्नल जेम्स टॉट। राजस्थान को सर्वप्रथम विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का कहकर किसने पुकारा था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके TH हेंडले। TH हेंडले ने राजस्थान को सर्वप्रथम विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का कहकर पुकारा था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी। अगला क्वेश्चन है, झीलवाड़ा दर्रा किस जिले में स्थित है? ए अजमेर, बी सवाईमाधोपुर, सी राजसमंद, डी है उदयपुर। झीलवाड़ा दर्रा दोस्तों, झीलवाड़ा दर्रे को आपके
पगलिया दर्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिलवाड़े दर्रे को पगलिया दर्रा भी। तो दोस्तों ये आपके राजसमंद जिले में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, जीलवाड़ा दर्रा या पगलिया दर्रा राजसमंद जिले में स्थित है। इसके अलावा कचबली दर्रा भी आपके राजसमंद में स्थित है, दिबेर दर्रा भी राजसमंद में स्थित है, और गोरम घाट या गोमट घाट ये भी आपके राजसमंद में स्थित है, और एक है स्वरूप घाटी दर्रा वो भी आपके राजसमंद में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक जो आपके नाल या दर्रे हैं किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर भी आपके राजसमंद ही होगा। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे या नाल किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? ए भूमट का पठार, बी है उड़िया का पठार, सी है मेसा का पठार, डी है आबू का पठार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार तो है वो तो है आपका दोस्तों उड़िया का पठार, जो कि आपके 1360 मीटर ऊंचा है। दूसरा सबसे ऊंचा पठार है आबू का पठार, जो कि आपके 1200 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आबू के पठार में आपके राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर स्थित है। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आपके मेसा के पठार पर बना हुआ है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है? ए 21 फरवरी, बी है 16 दिसंबर, सी है 14 सितंबर, डी है 16 फरवरी। राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो आपके गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे? गुर्जरी अपभ्रंश से। ठीक है, और राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी छत्रिया जयपुर के शासकों का निजी शमशान घाट है? ए केसरबाग की छत्रिया, बी है बड़ा बाग की छत्रिया, सी है गैटोर की छत्रिया, और डी है देवीकुंड की छत्रिया। कौन सी छत्रिया जयपुर के शासकों का निजी शमशान घाट है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गैटोर की छत्रिया। गैटोर की छत्रिया है आपके जयपुर में स्थित है, और ये आपके जयपुर के कछवाहा शासकों का निजी शमशान घाट है। केसरबाग की छत्रिया आपके बूंदी में स्थित है, बड़ा बाग की छत्रिया आपके बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित है, और देवीकुंड की छत्रिया आपके बीकानेर में स्थित है, जो कि आपके बीकानेर के राठौड़ों का निजी शमशान घाट है। अगले क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? ए भील, बी गरासिया, सी मीणा, और डी है सहरिया। सीताबाड़ी का मेला, दोस्तों सीताबाड़ी का मेला आपके 12 जिले में आयोजित होता है। सीताबाड़ी मेला किस जिले में आयोजित होता है? 12 जिले में, और 12 जिले में जो सर्वाधिक जनजाति निवास करती है वो है आपकी सहरिया। कौन सी है? सहरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सीताबाड़ी मेला किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोकगीत सिरोही में डाडी जाति द्वारा गाया जाता है? ए मोमल, बी बिछुड़ो, सी है केसरिया बालम, डी है ढोला मारू। कौन सा लोकगीत सिरोही जिले में डाडी जाति द्वारा गाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ढोला मारू। ढोला मारू लोकगीत आपके सिरोही का प्रसिद्ध है, और यह डाडी जाति के द्वारा गाया जाता है। मुमुल है, मुमुल आपके लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी दोस्तों, और मुमुल गीत है आपके लोदरवा जैसलमेर में गाए जाते हैं। बिछुड़ो गीत है ये आपके हड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और मांडशैली में गाया जाने वाला एकमात्र लोकगीत है वो है आपका केसरिया बाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ई है राजराजेश्वर मंदिर उदयपुर, बी है खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, सी है लोहागल जी मंदिर झुंझुनू, और डी है सप्त गो माता मंदिर सीकर। तो आपको बताना है कौन सा मंदिर है जो अपने सही स्थान से सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म असंगत है। तो चेक करते हैं, तो पहला दे रखा है राजराजेश्वर मंदिर उदयपुर। तो दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर आपके उदयपुर में स्थित नहीं है, ये आपके जयपुर में स्थित है। दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर आपके कछवाहा शासकों निजी मंदिर है, कछवाहा शासकों का निजी मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर। किसके? जयपुर के कछवाहा शासकों का। और इसके इसको आम जनता के लिए आपके शिवरात्रि के दिन खोला जाता है, महाशिवरात्रि के दिन आम जनता के लिए खोला जाता है। कौन सा? राजराजेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, ए है जो आपके सही सुमेलित नहीं है या असंगत है। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर आपके जयपुर में स्थित है, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में स्थित है, लोहागल जी झुंझुनू में स्थित है, और सबगो माता मंदिर आपके रेवासा सीकर में है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए है जो असंगत है। अगला क्वेश्चन है, निम्बाक संप्रदाय का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी जयपुर, डी राजसमंद। निम्बाक संप्रदाय का मेला,
दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय को आपके हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय का मेला आपके, निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है दोस्तों वो आपके सलेमाबाद में स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद में स्थित है। और यहीं पर आपके निम्बार्क संप्रदाय का मेला आयोजित होता है। सलेमाबाद आपके अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भरतरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ए जोधपुर, बी अलवर, सी जैसलमेर, डी भरतपुर। भरतरी मेला। भरतरी मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है अलवर। भरतरी मेला आपके अलवर जिले में आयोजित होता है। एक है भोजन थाली मेला दोस्तों, भोजन थाली मेला आपके भरतपुर में आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अलवर में आपके नेडा की चतरिया और टहला की चतरिया वो भी आपके अलवर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंगत है, कौन सा युग्म असंगत है? ए है शिवरात्रि पशु मेला करौली, बी है गोमती सागर पशु मेला झालावाड़, सी है जसवंत पशु मेला नागौर और डी है बलदेव पशु मेला नागौर। और यहाँ पे पशु मेले दे रखे हैं दोस्तों, उसके सही स्थान से सुमेलित करना है। तो निम्न में से कौन सा जो युग्म है असंगत है या सही सुमेलित नहीं है? तो चलो चेक करते हैं दोस्तों। शिवरात्रि पशु मेला करौली में आयोजित होता है, बिल्कुल राइट है। गोमती सागर मेला है झालावाड़ में आयोजित होता है, बिल्कुल राइट है। जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला दोस्तों आपके नागौर में आयोजित नहीं होता है, ये होता है आपके भरतपुर में। जसवंत पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर में। और बलदेव पशु मेला नागौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी है जो आपके असंगत है, सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता जुझार जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ए सांतु गांव, बी भेंकटी गांव, सी इमोला और डी है झोरडा। लोक देवता जुझार जी का प्रसिद्ध मंदिर, दोस्तों जुझार नवमी है। जुझार नवमी आपके राम नवमी के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? जुझार नवमी राम नवमी के दिन। ठीक है। और जुझार जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है इमोला सीकर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता मीराबाई के भतीजे थे? ये मल्लिनाथ जी, बी तल्लीनाथ जी, सी रूपनाथ जाडा, डी है कल्लाजी राठौर। कौन से लोक देवता मीराबाई के भतीजे थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ है मीराबाई के भतीजे थे दोस्तों। ठीक है। कल्लानाथ जी की जो प्रमुख पीठ है दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ आपके रनेला में स्थित है। कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है आपके बैरोपोल चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और रूपनाथ झाड़ा है दोस्तों, ये आपके पाबू जी के भतीजे थे। लोक देवता पाबू जी है, पाबू जी के भतीजे कौन थे? रूपनाथ झाड़ा, जिनको आपके हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब शाह पीर की दरगाह किस जिले में स्थित है? ए अजमेर, बी नागौर, सी जालौर, डी डूंगरपुर। पंजाब शाह पीर की दरगाह किस जिले में स्थित है? दोस्तों पंजाब शाह पीर की दरगाह है आपके अढ़ाई दिन के झोपड़े में स्थित है। कहाँ पे? अढ़ाई दिन के झोपड़े में पंजाब शाह पीर की दरगाह स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपके अजमेर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने राजपूतों को ताम्र पत्र लेख के आधार पर कुषाणों की संतान बताया है? ए है वी एस स्मिथ, बी है अलेक्जेंडर कनिगम, सी है कर्नल जेम्स टॉड, डी है सीवी वैद। किस इतिहासकार ने, या किस इतिहासकार ने राजपूतों को ताम्रपत्र लेख के आधार पर कुषाणों की संतान बताया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिगम। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिगम ने जो आपके राजपूत है, राजपूतों को ब्रॉन्ज गुज्जर, कौन से पत्र है? ब्रॉन्ज गुज्जर ताम्रपत्र लेख के आधार पर। ठीक है। ब्रॉन्ज गुज्जर ताम्रपत्र लेख के आधार पर कुषाणों को, सॉरी राजपूतों को कुषाणों की संतान बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। पत्र का क्या नाम है? ब्रॉन्ज गुज्जर ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को कुषाणों की संतान बताया है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और वीएस स्मिथ ने बनाया है आपके हूणों की संतान, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? वीएस स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, सोजत के किले का निर्माण किसने करवाया था? ए राव मालदेव, बी है राव निम्बा, सी है राव जोधा, डी है राव चंद्रसेन। सोजत के किले का निर्माण किसने करवाया है? दोस्तों सोजत का किला है ये आपके पाली जिले में नानी शिरडी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। किस किस पहाड़ी पर है? नानी शिरडी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है सोजत का किला, पाली में स्थित है।
इस किले का जो अधिकांश निर्माण तो आपके राव मालदेव ने करवाया था दोस्तों, लेकिन इसका निर्माण है आपके आवल बाउल की संधि के तहत 1460 ईस्वी में करवाया गया था दोस्तों। आवल बाउल की संधि हुई थी आपके 1453 ईस्वी में, जिसके आपके मारवाड़ मेवाड़ की संधि भी कहते हैं। राणा कुंभा और मारवाड़ के शासक राव जोधा के मध्य हुई थी आवल बाउल की संधि 1453 ईस्वी में। इस संधि के तहत आपके सोजत के किले का निर्माण किया गया था 1460 ईस्वी में, और इसका निर्माण करवाया था आपके राव जोधा के पुत्र राव निम्बा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राव निम्बा ने 1460 ईस्वी में सोजत के किले का निर्माण करवाया था। अधिकांश निर्माण मालदेव ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है? ए राव गंगा को, बी है राव मालदेव को, सी है भक्त सिंह को, डी है राव चंद्रसेन को। किस शासक को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ का जो प्रथम पितृहंता कहा जाता है वो राव मालदेव को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राव मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी, ठीक है, इसलिए राव मालदेव को राजस्थान का प्रथम पितृहंता, और सॉरी मारवाड़ का, ठीक है। और मारवाड़ का जो दूसरा पितृहंता है वो आपके भक्त सिंह को कहा जाता है दोस्तों। प्रथम पितृहंता मालदेव को, दूसरा भगत सिंह को। भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी दोस्तों, ठीक है। मालदेव ने की राव गंगा की, भगत सिंह ने की अजीत सिंह की। अगला क्वेश्चन है, राव मालदेव का राज तिलक कब किया गया? ए है 5 जून 1532, बी है 5 जनवरी 1544, सी है 11 नवंबर 1562 और डी है इनमें से कोई नहीं। राव मालदेव का राज तिलक कब किया गया था? दोस्तों आपको बता दूं, जो आपके राव मालदेव है, राव मालदेव ने आपके 1532 से लेकर 1562 तक शासन किया था। 1532 से लेकर 1562 तक, ठीक है, शासन किया था। तो दोस्तों 1532 ए की ऑप्शन में देखिए, तो राव मालदेव का राज तिलक कब किया गया था? 5 जून 1532। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेज कहा है? ए शिवाजी महाराज, बी है पृथ्वीराज राठौड़, सी है वीर दुर्गादास, डी है राव मानसिंह। राठौड़ों का यूलिसेज किसे कहा जाता है? दोस्तों राठौड़ों का यूलिसेज कहा जाता है वीर दुर्गादास को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वीर दुर्गादास ने आपके 1678 से लेकर 1707 ईस्वी तक मारवाड़ की रक्षा की थी, जोधपुर की रक्षा की थी दोस्तों, ठीक है। तो आपके जो आपके वीर दुर्गादास ने 30 वर्षों तक मारवाड़ की रक्षा की थी, इसे आपके मारवाड़ का 30 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। 1678 से 1707 के समय को। और वीर दुर्गादास के जो पिताजी का नाम है वो है आसकरण। कौन थे? आसकरण। और वीर दुर्गादास का जन्म कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है आपके ससालवा गांव मारवाड़ में। अगला क्वेश्चन है, हमीर चौहान ने अपने शासनकाल में अपनी विजय के उपलक्ष्य में कोट्यजन यज्ञ करवाया, इस यज्ञ का प्रधान पंडित कौन था? ए पंडित विश्वरूप, बी है पंडित पुंडरिक, सी है पंडित रत्नाकर, डी है इनमें से कोई नहीं। हमीर चौहान ने कोट्यजन यज्ञ करवाया, इस यज्ञ का प्रधान पंडित कौन था? तो दोस्तों इसका प्रधान पंडित था पंडित विश्वरूप। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के 1301 ई में रणथंभौर आक्रमण के समय सेनापति कौन थे? ए जैतावा कोपा, बी है रणमल व रतिपाल, सी है नुसरत खां व उलुग खां और डी है धर्मपाल व भीम सिंह। अलाउद्दीन ने 1301 पे रणथंभौर पर आक्रमण किया था दोस्तों। उस समय जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो थे आपके नुसरत खां और उलुग खां। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इस युद्ध में जो आपके नुसरत खां है, ठीक है, नुसरत खां मारा जाता है दोस्तों, और पीछे जो युद्ध का आपके नेतृत्व करता है वो करता है उलुग खां, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी का 1301 ईस्वी रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा जाता है? तो वो नुसरत खां मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रयन के प्रथम युद्ध 1191 ई में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? ए विश्वरूप, बी है धर्मपाल, सी है भीम सिंह, डी है चामुंडराय। त्रयन का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। तो दोस्तों इस त्रयन के प्रथम युद्ध में जो आपके पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था वो था आपके चामुंडराय। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये है भोगीलाल पांड्या, बी है केसी सिंह भारत, सी है मोतीलाल तेजावत, डी है पूंजा धीर जी।
दोस्तों ये बांगड़ नहीं है, वागड़ है, ठीक है, ये बिंदी हटा देना। बागड़ सेवा मंदिर, बागड़ नहीं, वागड़ सेवा मंदिर, ठीक है, ये आपके ऐसे होगा, ठीक है, वागड़ सेवा मंदिर। तो वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों वो की गई आपके भोगीलाल पांड्या के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भोगीलाल पांड्या को आपके वागड़ का धनी, वागड़ का गांधी कहा जाता है दोस्तों। भोगीलाल पांड्या की जो पत्नी है, जिसका नाम है आपके मणि बहन पांड्या, मणि बहन पांड्या को आपके वागड़ की बा कहा जाता है, वागड़ की बा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं सदी का प्रमुख एकलिंग जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी टोंक, सी अजमेर, डी जोधपुर। 8वीं सदी का प्रमुख एकलिंग जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों 8वीं सदी में जो एकलिंग जी का मंदिर है, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था आपके बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। कहाँ पर करवाया था? तो दोस्तों वो करवाया आपके कैलाशपुरी उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैलाशपुरी उदयपुर में। इसके अलावा दोस्तों आपके एक सास बहू का मंदिर, जिसे आपके सहस्त्र बहू का मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण भी आपके बप्पा रावल ने करवाया था। वो करवाया था आपके नागदा उदयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी है विजय सिंह पथिक, सी है ऋषि दत्त मेहता, डी है अर्जुन लाल सेठी। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक, दोस्तों नवीन राजस्थान है, इसको पहले 1919 में, 1919 में आपके राजस्थान सेवा संघ के द्वारा वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था। किस नाम से? राजस्थान केसरी के नाम से, ठीक है। और बाद में इसको प्रतिबंध कर दिया गया था, तो ये आपके 1922 ईस्वी में अजमेर से इसको नवीन राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया था, जिसके आपके संपादक थे विजय सिंह पथिक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों बाद में नवीन राजस्थान पर भी आपके प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो 1923 ईस्वी में अजमेर से इसको फिर से तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया था दोस्तों। और तरुण राजस्थान के जो संपादक थे वो थे आपके ऋषि दत्त मेहता, ठीक है। तो नवीन राजस्थान के संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को सर्वाधिक विद्युत किस ऊर्जा से प्राप्त होती है? ए तापीय ऊर्जा, बी जल विद्युत ऊर्जा, सी है आण्विक ऊर्जा, डी है सौर ऊर्जा। राजस्थान को सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, किस ऊर्जा से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी विद्युत ऊर्जा। तापी विद्युत ऊर्जा ऊर्जा से राजस्थान को सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है। और तापी ऊर्जा में आपके सर्वाधिक योगदान है वो कोयला है, ठीक है, कोयले से उत्पन्न की जाती है ज्यादातर। अगला लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि कौन सी है? ए तालाब, बी कुआ, सी नदी, डी है टांका। जल संरक्षण की परंपरागत विधि राजस्थान में वर्षा की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी टाका। टाका है जो राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा वीडियो और टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों याद रखना, कल शाम 7 बजे आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 3 टेस्ट होंगे, ठीक है। कल शाम यानी कि 6 जुलाई 2020 को, यानी कि सोमवार को, ठीक है, अर्थात कल शाम 7 बजे से। तो मिलते हैं फिर टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक यू।